आप कोई भी फंड सिलेक्ट करने से पहले आपके गोल्स रेडी होने चाहिए। इस वीडियो में जो बातें हमने बताई उस पर ध्यान देना चाहिए और उन गलतियों से बचना चाहिए। हमेशा ये बात को ध्यान रखें कि फंड अच्छे नहीं होते, उन फंड में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। टॉप रेटेड फंड में इन्वेस्टमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है, उन फंड्स में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। म्यूचुअल फंड सही है, पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। किसी म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स बहुत अच्छी है तो किसी के रिटर्न्स एवरेज है। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमें भी अच्छे रिटर्न्स मिले। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आमतौर पर इन्वेस्टर काफी कॉमन गलतियां कर बैठते हैं। उनमें से सबसे कॉमन गलती है हाई रेटिंग फंड्स में इन्वेस्ट करना। जो फंड इस समय नंबर वन रैंकिंग पर है, जरूरी नहीं कि वो अपने रिटर्न्स ऐसे ही बनाए रखेगा, बल्कि काफी चांसेस ये है कि उन फंड्स में प्रॉब्लम आ सकती है। रैंक वन फंड होने के कारण फंड में बहुत पैसा आ जाता है और फंड मैनेजर को मजबूरन ना चाहते हुए भी मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। कभी कभी कुछ फंड हाउसेस कुछ वक्त के लिए उन फंड्स में नया इन्वेस्टमेंट लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर के पास जितना भी पैसा आएगा फंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी रूल्स के मुताबिक 60% मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि टॉप रेटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है और उन फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है रिस्क प्रोफाइल। फंड की रिस्क प्रोफाइल चेक किए बिना या आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ फंड की रिस्क प्रोफाइल को मैच ना करके उन फंड्स में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। नहीं समझ आया ना, चलिए समझते हैं। कुछ लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और उनकी रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव होती है, इसलिए उन्हें उन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क ना के बराबर हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क है तो इसक के फॉर्मूले पे चलते हैं, तो उन्हें रिस्की फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हर इंसान की इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस, इनकम, एज अलग अलग होती है। इसका मतलब हर इंसान को अलग अलग टाइप के फंड्स को प्रिफर करना चाहिए। अब चलते हैं तीसरी कॉमन गलती जो एक इन्वेस्टर करता है, कि वो 2-3 साल फंड के रिटर्न्स को देखकर उन फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 15-20 सालों में एवरेज रिटर्न्स दिए पर लास्ट 2-3 सालों में उनके फंड्स के रिटर्न्स अच्छे हैं। इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है दया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वो है फंड मैनेजर को सिलेक्ट करना। हमेशा ये बात को ध्यान रखें कि फंड अच्छे नहीं होते, फंड मैनेजर अच्छा होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 20-25 सालों में कुछ फंड्स ने अच्छे रिटर्न दिए पर अचानक से फंड मैनेजर चेंज होने के कारण फंड्स के परफॉर्मेंस खराब हो गई। फंड मैनेजर को अच्छे से जानने के लिए आप उनके द्वारा मैनेज किए हुए कुछ फंड्स को रिटर्न्स को देखना चाहिए। एक फंड मैनेजर करीब 3-4 फंड मैनेज करते हैं और अगर फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस उन फंड में एवरेज है तो आप उन फंड्स को अवॉइड करें। ये तो हो गई फंड सिलेक्शन करते वक्त हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, पर उसके पहले अपने आप को पहचाने, मतलब आपको आखिर चाहिए क्या। आप कोई भी फंड सिलेक्ट करने से पहले आपके गोल्स रेडी होने चाहिए और आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको फंड सिलेक्ट करते वक्त इस वीडियो में जो बातें हमने बताई उस पर ध्यान देना चाहिए और उन गलतियों से बचना चाहिए। अगर इन सब बातों पर आप ध्यान दें तो आप सही फंड सिलेक्ट कर पाएंगे और फिर हर वक्त आप खुश रहेंगे। दोस्तों, आरपी एसेट का मेन मकसद है कि आप सही इन्वेस्ट करें और खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले। वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।